बाबा साहब न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार के नवादा में दबंगों ने महादलितों की बस्ती में आगजनी की, जिसको लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। हालांकि जो जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, लेकिन उनका अब तक इस मुद्दे पर बयान नहीं आया, जिसको लेकर विपक्ष ने उनको घेर लिया है। हम आपको बता दें कि विपक्ष ने कहा है कि ये जो आगजनी की घटना हुई है, ये डबल इंजन का जो जंगल राज चल रहा है बिहार में, उसका एक जीता जागता प्रमाण है। हालांकि राज्य सरकार कह रही है कि आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और जो वहां पर जिन लोगों के घर जलाए गए हैं उन लोगों के लिए तमाम राहत के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है, लोगों की जो मदद की जा रही है। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर एनडीए सरकार को घेर लिया है। खड़गे जी का भी बयान आ गया है, मायावती का बयान आ गया है, जेडीयू ने भी अपनी सफाई दी है, बीजेपी नेता भी तमाम सफाई दे रहे हैं, लेकिन सियासत तो गर्मा गई है क्योंकि घटना बहुत बड़ी है। आइए दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में कि आकर जो ये घटना है, इसने खून पकड़ा तो बिहार की सियासत में क्या बदलाव हो सकते हैं, और आपको ये भी दिखाते हैं कि घटना, इस प्रकरण का जो पूरा मुद्दा है वो है क्या। आपको ये भी दिखाएंगे कि जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो पीड़ित है, उन्होंने क्या कहा, और फिर दिखाएंगे आपको इसमें पक्ष और विपक्ष के बयान। आइए देखते हैं प्रभाकर की खास। बिहार के नवादा जिले में बुधवार शाम जमीन विवाद को लेकर लोगों के एक समूह ने करीब 21 घरों में आग लगा दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना मुफस्सिल थाना के अंतर्गत माझी टोला इलाके में हुई है। नवादा के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने संवाददाताओं को बताया कि शाम करीब 7:30 बजे सूचना मिली कि नवादा के माझी टोला इलाके में कुछ घरों में आग लगा दी गई है। पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को भी लगाया गया। आग बुझाने में कुछ समय लगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शाम करीब 7 बजे पुलिस का एक दल आया और घरों में आग लगाना शुरू कर दी गई। घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि घटना के पीछे जमीन विवाद है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है। इस सिलसिले में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले से जुड़े अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आगजनी में शामिल लोगों द्वारा हवा में गोलियां भी चलाई गईं। अधिकारी ने बताया कि इलाके में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं जिन लोगों के घर जलाए गए हैं। रात में पहले से इस पर लड़ाई चल रहा था। अच्छा। हम लोग तो कुछ दिन शांति था, लेकिन हम लोग गए शांति को कमा कर आए, गोड़ हाथ धोए, एक भाई हास्ता हो गया, उधर से आ गया 100-150 आदमी, एक भाई गोली चलाने लगा, उसके बाद लाका दिया। हम लोग बाल बच्चा लेके भागे, क्या करें, सारा चीज जल गया, उसमें पैसा था, कौड़ी था, सारा चीज जल गया। कौन लोग था जो आग लगाई? हिंदू पासवान था। अच्छा, मुनी पासवान है। क्यों यहाँ पे, मतलब वो लोग क्या क्या मैटर है, जमीन का मैटर सुना, क्या विवाद, झगड़ा चल रहा है? हाँ, ये जमीन को 20-25 बरस से कब्जा है। अच्छा। वो सोचता है कि हमको जमीन है। अच्छा, यही कारण हम लोग कितना आग लगा दिया जमीन के चलते। हम सब पूरा बूढ़ी सब सास ससुर जमीन पर गुजर गया, हम भी जाने वाला है तो भी कर रहा है। कई घर को, कई परिवार रहे हैं आप लोग यहाँ पर इस इलाके में? इलाके में तो बहुत सुना है। कई घर को आग लगा दिया गया है? फूल है जरा, फूल है तो फूल चलिया गया, कहाँ कोई बचा, खाली चलिया ना बचा। क्या नाम है आपका? हमका बेटा झोपड़ा था सर, जरा कौन कौन ये सब घटना को अंजाम कौन दिया, कौन आग लगाया, कौन था, कौन है ये नंदू पासवान, कौन है, कहाँ 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 आप लोग का भी घर था? कई घर जले हैं, कई घर जले, हम आपको बता दें कि नवादा की घटना ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नवादा में कई लोगों के घरों में आग लगाए जाने की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि यह डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगलराज का एक और प्रमाण है। बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलितों के घरों में आग लगाई गई,
गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की दलितों वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक उपेक्षा व असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देना अब चरम पर है। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा की तरह मौन है, नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र हैं और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी इस घटना की निंदा की है और राज्य सरकार से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गरीब पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सरकार से पूरी आर्थिक मदद की भी मांग की है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद व गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। फिलहाल आइए देखते हैं इस मुद्दे पर विपक्षी आरजेडी क्या कह रही है, उसके बाद आपको दिखाएंगे बिहार सरकार के नेताओं की प्रतिक्रियाएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मनबढ़ू और मनचढ़ू लोगों ने दलित परिवार की लगभग सैकड़ों घरों को फूंक दिया, लगभग 100 घरों को फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया। बगल में थाना पुलिस का इकबाल इस कदर मर चुका, ये जलाद राज है या महाजंगल राज? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को पीपल डोमेन में बिंदुवार तरीके से बातों को स्पष्ट करनी चाहिए। तथ्यात्मक, बिहार में आम आवाम का जान की रक्षा होगी कि नहीं होगी? कब तक अचेत अवस्था में आप रहेंगे? कब तक लोग मारे जाते रहेंगे? जो कमजोर सबसे अंतिम पायदान में रहने वाले लोग जो जीवन यापन करते हैं झोपड़ियों में, आपके लोगों ने, एनडीए के दबंगों ने आग के हवाले किया है। ये पूरे रोंगटा खड़ा हो गया है सुनकर के, जो लोग सुने हैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक। लेकिन मैं एक बात तो कह देना चाहूँगा कि आग दलित बस्तियों में सिर्फ नहीं है, ये आग उन सभी घरों में है जो लोग सत्ता प्रतिष्ठान के इकबाल से दूर रह रहे हैं। प्रशासन चाहे जितना दलील दे दे, इकबाल बचा है क्या? जमीन माने यह भी एक अलग सा इनका दलील है, जरा बताए, इकबाले नहीं बचा इनका शासन का, जमीन का हो, जमीन का वो बेचारा भूमिहीन लोग को जमीन की जरूरत है, उनकी जमीन की बात कर रहे हो? अरे अपना जमीन की बात करो, जिन लोग जिनके चलते आज जमीन मरा हुआ, जिसके चलते लोग आज शिकार हो रहे हैं दबंगों के। नीतीश कुमार जी का इकबाल समाप्त, पुलिस का कोई भय नहीं है। दबंग जो भाजपा के हैं, एनडीए के हैं, वो मन बढ़ू और मन चढ़ू लोग गरीब और लाचार और परेशान लोगों को तंग और तबाह कर रहे हैं। आम आदमी सुरक्षित नहीं है। बिहार में महाजंगल राज और जलाद राज चल रहा है, न आबरू सुरक्षित है, न लड़कियां सुरक्षित है, न लड़के सुरक्षित है, न इंसान सुरक्षित है, न गरीब सुरक्षित है, कौन सुरक्षित है? मन बढ़ू और मन चढ़ू लोगों का शासन चल रहा है बिहार के अंदर में, पुलिस का इकबाल ही मर चुका है। नवादा की घटना निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की जैसे ही जानकारी मिली, उच्च पदस्थ पुलिस पदाधिकारियों ने वहां कैंप करना शुरू कर दिया है, अनेक गिरफ्तारियां हुई। सद्भाव हम नहीं बिगड़ने देंगे और दलितों को जरा भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होना है वो होगा और इसके लिए जवाबदेह तत्व कतई बक्से नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।